जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव वीडियो कॉल इंस्टाग्राम के सेशन में आया हूं, एक हनुमान जी के भक्त के साथ जो अपना अनुभव शेयर करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल पर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हनुमान जी की महिमा को शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, आप मुझे डीएम यानी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, या फिर आप अपना अनुभव मुझे ईमेल के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। नमस्कार भैया, जय श्री राम, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताइए, पूरा नाम, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताइए। जय श्री राम जयेश भाई, और मैं आपके सीक्रेट मिस्ट्री के सारे भक्तों को जय श्री राम बोलना चाहूंगा। और मैं बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से, आरा शहर से रहने वाला हूँ, और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी होता है। जी जी। और मेरा तो हनुमान जी से मेरा भक्ति था, बचपन से ही था। लेकिन पहले क्या हुआ कि कुछ कॉलेज के टाइम में, जैसे जैसे आज के डेट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, मॉडर्नाइजेशन होता है, तो ये सब पीछे हो जाती है। दोस्त लोग बोलते हैं ये क्या कर रहा है ऐसे वैसे, लेकिन मतलब बाद में पता चलता है जब मुसीबत आती है अपने ऊपर, और जब मुसीबत में साथ देते हैं हनुमान जी, तो फिर उसके बाद तो सिर्फ राम का ही नाम होता है हमेशा, नाम फेस पे हमेशा, हम हर वक्त जबान पे राम का ही नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि ये दुनिया राम नाम पे ही टिकी है। आज राम नाम का स्मरण बढ़ते ही जा रहा है, और हनुमान जी साक्षात विराजित है इस पृथ्वी पर, आज सर शरीर विराजित है, और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। आपने ऐसा, आपने हनुमान जी की भक्ति, जो मेरा पहला सवाल होता है, आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की, आप कैसे उनकी शरण में गए, आज बता दीजिए सारे फॉलोअर्स। मेरे साथ हुआ था कि मैं कोविड का शिकार हुआ था। ओह। हालांकि मैंने टेस्टिंग नहीं की थी। ओके। लेकिन वैसा ही सिम्टम सारा कुछ था, तो मेरा तो बहुत बीमार चल रहा था, पूरे फैमिली बीमार थे, सब कोई आसपास के पड़ोस के लोग भी बीमार थे। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, फिर मैंने वैसे गाना सुनना शुरू किया, तो भोलेनाथ की गाना सुनने शुरू किया, उसके बाद से फिर हनुमान चालीसा सुनना शुरू किया, फिर धीरे धीरे यूट्यूब से देखते देखते आपका चैनल दिखा मुझे, तो देखते गया, सारा वीडियो देख गया, मतलब इतना अच्छा लगा, जैसे मुझे मतलब ठीक होने का जल्दी हो रहा था, कि जितना जल्दी ठीक हो और जल्दी से हनुमान चालीसा ये सब सारा कुछ शुरू करना है, मुझे भी ये सब करना है। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि लाइफ में मैं बहुत परेशान रहता था, लास्ट ईयर की बात है, 2021 की, मेरा जॉब भी था एक, जो कि 2020 में ही छूट गया था। ठीक है। ओके। वो भी गवर्नमेंट जॉब ही थी जी। तो वो छूट गया था, उसके बाद से मुझे कोई राह नहीं नजर आ रहा था। मैंने बीटेक भी किया था पीछे पार्टी में, तो बीटेक करने के बाद तो 4 साल 5 साल ढूंढता रहा, जॉब कहीं नहीं मिला, एक मिला भी तो वो भी छोड़ना पड़ गया, कोरोना का टारगेट वाला जॉब था, इसलिए कोरोना काल में छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद 2021 आया, ये सब कोविड वगैरह थी, ये सब चला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम क्या करो, वो क्या करती हैं कि वो 7 बार सुबह में हनुमान चालीसा पढ़ती हैं और 7 बार शाम में पढ़ती हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेली उन्होंने मुझे बोला, लेकिन मैं इग्नोर कर, आमतौर से हम लोग यही करते हैं, इग्नोर कर। फिर उसके बाद जब आपका चैनल मिला, धीरे 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 मुझे लगा कि करना करना चाहिए, तो मैंने शुरू किया। आप मानोगे नहीं, इतना मैं निगेटिव इंसान था, हर चीज में निगेटिव ढूंढता था, हर चीज में, मतलब कुछ एग्जाम देने जा रहे हो तो नहीं होगा, जाके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ये सब देने का, या फिर कोई भी चीज, मतलब लाइफ को देखने का एक तरीका होता है ना, निगेटिव था जी। फिर धीरे धीरे जब जब से मतलब शुरू किया हनुमान चालीसा, और हनुमान जी के शरण में गया लास्ट ईयर, वही अप्रैल के बाद में या जून होगा उस टाइम पे, मैंने भी शुरू किया। पहले तो 2 बार, 1 बार शुरू किया, फिर मैं भी डेली 7 बार करने लगा। क्या बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। और किसी किसी दिन 1 बार भी होता था, किसी किसी दिन टाइम नहीं मिल पाता था तो 1 बार ही होता था जी, लेकिन कोशिश करता था कि 7 बार हो जाए, 7 बार 5 बार ऐसे हो जाए। और उसके बाद संकल्प भी लिया, आपके चैनल से ही पता चला कि कैसे संकल्प लेते हैं, क्या करते हैं,
और जी, जी और हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया क्या बात जी, बहुत बढ़िया। और जी 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 जो हो सकता था मैंने किया और प्रभु ने मुझ पे इतनी कृपा दिखाई, इतनी कृपा दिखाई कि मैं बता नहीं सकता। मेरे जैसा निगेटिव इंसान जो कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, मैं 2020 में जब जॉब गया तो 2020 की जो रिक्रूटमेंट थी तो वो रिक्रूटमेंट्स में मैंने बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत, लेकिन मेरी नहीं हो पाई, मैं जॉब नहीं हो पा रही थी कहीं भी नहीं। मैं बैंक की प्रिपरेशन करता था, नहीं हो पा रही थी। और मैं आपको बता दूं 2021 की जो रिक्रूटमेंट है, जो इस साल ज्वाइनिंग हुई है, उसमें मैंने क्या किया, उतना कुछ नहीं किया, नॉर्मली पढ़ता गया एकदम, मतलब ऐसा लगा चीज, हर चीज स्मूथ होता गया, हर चीज आसान होती गई। जी बिल्कुल, मतलब ये मतलब हनुमान जी का शक्ति है, हनुमान चालीसा का शक्ति है, राम नाम का शक्ति है, जो मुझे लगा और मैंने ये सब करना शुरू किया। फिर मेरे घर में भी पॉजिटिव चीज दिखने शुरू हो गई। वेरी गुड। मेरे घर में कुछ लोग, पंडित जी लोग आके बताए थे कुछ वास्तु दोष है, ये वो है, घर का पिछला हिस्सा वो ऊंचा होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ बताया था। तो वो सब भी नहीं होता था, पहले रुका हुआ था, 20 साल से रुका हुआ था, और जब मैंने ये सब शुरू किया वो सब कुछ हो गया। क्या बात, भैया की शादी नहीं, भैया की शादी नहीं हो रही थी, भैया की शादी हो गई फेब में इसी साल, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद मुझे, मतलब मैं जो सोचता था वो सब हो गया। मतलब अभी जॉब मिला तो दो दो जॉब मिल गया, वो भी गवर्नमेंट बैंक में, एक एक छोड़ना पड़ा, एक ज्वाइन का एक ज्वाइन किया मैंने। जी जी बिल्कुल जी, बहुत मतलब मैं तारीफ करते करते, मतलब भगवान का अगर गुणगान करूं तो शायद टाइम कम पड़ जाए। आपके चेहरे पे वो चमक दिख रही है, आपके चेहरे पर वो एक्साइटमेंट दिख रहा है, उनके बखान करने का जो एक्साइटमेंट है, मतलब एक समय आप पूरे नेगेटिव थे, मतलब आप हर चीज में आप नेगेटिव विचार, नेगेटिव ऊर्जा से भरे थे, मगर ये हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर चीज का सोल्यूशन है, हर मर्ज की दवा है हनुमान चालीसा। और ये आपने जो बताया ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मतलब जब से आपने और जिन्होंने आपको सलाह किया उनको भी आप बहुत धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी और राम नाम का प्रचार किया है, और आप भी करिएगा ताकि कभी किसी की जिंदगी बदल सकती है जैसे आपकी बदली है, ठीक है। आज जैसे हनुमान चालीसा का आपने दिल से पाठ किया, धीरे धीरे पाठ, मतलब आप अब रेगुलर करने लगे, उसे परिवर्तन दिखने लगा, सारे रुके हुए काम सारे बनते गए आपके जो सालों से रुके हुए थे। अभी इससे बड़ा एग्जाम्पल हम उन लोगों को कैसे दें? अभी कोई लोग ऐसे होते भाई नहीं होता है, जब नेगेटिव विचार होते हैं ना वो, कई लोग ओवर प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज को प्रूफ के साथ देखते हैं, भाई नहीं ये इसका प्रूफ है तो ही मैं विश्वास करूंगा, ये वो तो ही विश्वास करूंगा। भैया जरा दिल से ईश्वर का नाम लेके तो देखो, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जो सोचोगे उसके पहले ही तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। और ये जो आपने बताया वो ये उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपके सारे अटके काम, ये हमारे हनुमान जी बहुत दयालु हैं, ठीक है, वो आपके रास्ते, वे आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, समझ रहे हो जी। बस आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, वो आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, राम नाम का गुणगान करो, वे बहुत प्रसन्न होंगे। राम नाम, अगर भगवान राम बोले ना कि भगवान श्री राम तक भी जाना है तो हमें हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी, उनके द्वार के रक्षक वही है, समझ रहे हो। तो हनुमान जी की भक्ति में बहुत शक्ति है और आपने उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा और भी कुछ हो तो आप शेयर करिए ताकि दर्शकों को मोटिवेशन मिले। शेयर करना चाह रहा हूँ जी। जी मेरे साथ क्या इंसिडेंट था कि ये बैंक पीओ का एग्जाम है, इसमें पहला फेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद सेकंड में मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रिलिमिनरी में तो मैंने पास कर लिया अच्छे मार्क्स से, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम था, वो था कोविड का थर्ड वेव जो चल रहा था उस टाइम में, इस साल ही जी। तो उस टाइम में क्या हुआ कि मेरा एग्जाम आमतौर पे आरा में ही होता है, लेकिन वो एग्जाम पटना में था, पटना ओके। तो ये मैंने नोटिस नहीं किया था ओके। और मेरे मन में था कि मतलब अंदर से खुशी होती है, पढ़ाई कर लिया अच्छे से सब कुछ, अब सब राम जी पे छोड़ देते हैं, और वो एक टाइम में आया था हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता हमें, वो वाला भी मतलब वो जी 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 वो वाला धुन सुन रहा था उस टाइम। एक्चुअली जो टेंशन होता है, टेंशन को रिलीज करने के लिए यही गाना सुन रहा था मैं रात को 11 बजे,
और राम जी के सामने मैंने अपने एडमिट कार्ड को रख दिया था कि आप ही देख लीजिएगा, अब तो आपके सारे ही है जी। तो क्या हुआ कि मेरा आदत है कि रात में जैसे सबको गुड नाइट बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, तो भगवान को कैसे भूल जाए। बिल्कुल। तो मैं भगवान को भी शुभ रात्रि बोलता हूँ। बहुत जो तो मैं गया जी, गया राम जी के सामने हाथ जोड़े, शुभ रात्रि जैसे डेली करता हूँ वही करने के। तो अचानक से पता नहीं वो राम जी का ही मतलब वो कृपा था कि अचानक से मेरा नजर उस एडमिट कार्ड पर दिख गया, उतने दूर से जी। और वहां दिख गया सिर्फ पटना ही दिखा। फिर मैंने देखा कि अरे पटना, जबकि मैं मेरा तैयारी था कि सुबह में जाना है, उठ के 7 बजे उठ के चले जाना है 8 बजे से, राइट। और पटना जाने के लिए मुझे 4 बजे उठना होगा जी, थोड़ा जल्दी नहीं, आपके घर से लंबा होगा जी, राइट। हाँ, 50 किलोमीटर दूर। ओके, राइट जी। तो फिर वो समझ लीजिए कि वो इनका ही दिलाया हुआ है, प्रभु का ही देन है। प्रभु ने ही मुझे, अगर वो नहीं दिखता मुझे तो वो एग्जाम ही छूट जाता, और एग्जाम नहीं छूटता तो मैं आज जो भी हूँ नहीं होगा, नहीं हो पाता। ये छोटे छोटे संकेत होते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना कि हमने सोचा वो हो गया, वो हमने नहीं सोचा, हमने तो सोचा मगर किया हमने नहीं, किया ऊपर वाले ने। ऊपर वाले देखो, अगर आप दिल से उनको मानते हो तो वे आपके जो सारे अटके हुए रास्ते होते हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, या कोई संकट आने वाला होता है, या कोई डिले होने वाला होता है, वो किसी ना किसी के माध्यम से या कोई ना कुछ ऐसी चीज हो जाएगी आपके साथ, आपको पहले ही अलर्ट कर देंगे ताकि आपका वो नुकसान ना हो, या आपका आप आगे संकट आने वाला हो आप उससे पहले तैयारी कर सके, अपने आप को तैयार कर सके उस चीज से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये संकेत था उनका का कि आप अपना वो इम्पोर्टेंट एग्जाम जिसकी आपने इतनी इम्पोर्टेंट तैयारी की थी उसे आप मिस ना करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है आपका, मतलब इसके अलावा भी और कुछ हो आपके फैमिली में, किसी ने कुछ अनुभव किया हो हनुमान जी की भक्ति को, या मेरे फैमिली में? तो अब मैं बता रहा हूँ कि अब सुबह सुबह मैं देखता हूँ, आज जैसे मैं घर आया ऑफिस, हाँ, तो आज छुट्टी था तो मैं घर आया, तो मैं घर आते आते पहले चीज नोटिस की मैंने कि सुंदरकांड बज रहा है मोबाइल। क्या बात है। जी, और पापा सुन रहे थे, मम्मी भी सुन रही थी, सब लोग सुन रहे थे। अब मेरी बहन भी करने लगी है हनुमान जी का पूजा पाठ, सब लोग करने लगे, बहुत मतलब अलग एक भाई आने लगा है। पहले जो कि सब लोग नेगेटिव थे, पहले मतलब लेट से उठना वो सब, मतलब अब जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वही था, लेकिन अब सब प्रभु के शरण में आने से सब कुछ सही हुआ। बहुत अच्छा। जब इंसान नियम धर्म में रहना शुरू करता है ना, तो जीवन में परिवर्तन आना ही है, और जहाँ पे प्रभु का नाम गूंजता है वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, मात्र मात्र सकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर में होगी। और जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आपसे घर से दूर होती है, आपके घर में सब सही होने लगता है, मन शांत हो जाता है। अब घर में आप बातचीत भी करते हो तो उन सबके चेहरे पर चमक दिखेगी आपको, सब वातावरण शुद्ध रहता है, घर में पवित्र रहता है, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने, घर में जो परिवर्तन आता है वो ईश्वर की कृपा से ही आता है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही। 8 साल का मेरा बेरोजगारी 8 महीने में खत्म करना, ये तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसने चाहा। देखो क्यों हर इंसान उनकी शरण में नहीं जाता, समझ रहे हो? वे आपको जानते हैं, आपके मन को जानते हैं। हर इंसान को वो सौभाग्य नहीं मिलता कि वो उनकी शरण में जाए, वो भी प्रभु ही सिलेक्ट करते हैं ना कि भाई ये हम भक्ति अगर उनकी करते हैं तो उनकी ये भी उनकी मर्जी से ही हो रहा है। आपके मुंह से राम नाम निकल रहा है, आपके मुंह से हनुमान चालीसा निकल रही है, तो ये उनकी मर्जी से ही निकल रही है। उनकी मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिलता है इस पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। आज बस अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दे दो। और मैंने एक वीडियो में पहले लाइन बोली थी, अटूट विश्वास रखो, नाराज ना हो ईश्वर से, भरोसा रखो। जो ईश्वर सोते हुए पक्षी को रात के समय गिरने नहीं देता, ठीक है, तो वो भला वे आपको क्यों गिरने देंगे। बस अटूट विश्वास रखो, धीरज रखो, उनके घर में देर है, अंधेर नहीं, ठीक है, परीक्षा होगी। अटूट विश्वास से मुझे याद आया जी, मैं जब ये एग्जाम देने का ट्रांजिशन में था जी, तो लास्ट ईयर ही 2021 में मैंने SBI का एग्जाम दिया था। ओके। 0.25 मार्क्स से रह गया था मेरा, राइट। तो मेरे आंख से आंसू आ रहे थे, लेकिन मेरी बहन ने बोला जी कि हनुमान जी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखे हैं, वो क्लर्क का साथ तुम्हें अच्छा ऑफिसर बनाएंगे। क्या बात। और उस दिन मतलब थोड़ा सा लगा मुझे, थोड़ा देर मतलब आंख से आंसू आया, लेकिन फिर उसके बाद हनुमान जी के सामने जाके क्षमा मांगी
और अटूट विश्वास वो रहा मेरे, मतलब उनके ऊपर रहा मेरा जी, जी, जी। और देखिए उसका रिजल्ट था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, ये भगवत गीता में भी कहा है कि निराश ना हो, कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, और ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा था हनुमान जी ने आपके लिए, कि भाई आप छोटे सी चीज के, मगर भगवान ने तो कुछ अच्छा ऐसा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे। आप वैसे अभी, मैंने कभी नहीं सोचा था, आप बैंक में, नहीं सोचा था कि मैं ऑफिसर ही बन पाऊँ। आप बैंक में जॉब करते हो, कौन सी बैंक में जॉब करते हो? बैंक यूको बैंक, यूको बैंक में ऑफिसर के पोस्ट पे, और आपको बहुत बहुत बधाई आपके अचीवमेंट के लिए। बस ऐसे ही प्रभु पर विश्वास रखना, अच्छे अच्छे कर्म करना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो जीवन में बहुत आगे जाना है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे अनुभव आप ऐसे वीडियो कॉल या ईमेल के माध्यम से मुझसे शेयर करते रहे, ताकि अन्य लोगों, अन्य भक्तों को भी पता चले कि हनुमान जी जी की भक्ति में कितनी शक्ति है। और हमारे चैनल सीक्रेट मिस्ट्रीज के आप अनुभव देखते हो रेगुलर, जिसे आपने बताया, उसे देखने के बाद आपको कैसा लगता है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या पॉजिटिविटी फील हुई, ये आप दर्शकों को बता सकते हैं? सच बोलूं तो आपका जो भी वीडियो आता है, नोटिफिकेशन आता है, मैं जब भी देखता हूँ, जब भी फ्री होता हूँ, बोलता हूँ तो आंख से आंसू जरूर निकलता है। किसी भक्त का जो कितना परेशानी में था और वो परेशानी प्रभु ने दूर कर दिया, तो आंख से आंसू जरूर निकलता है। ये सच्चाई है, और मतलब ऐसा लगता है कि उस भक्त का मतलब उन्होंने पीड़ा हर लिया, मतलब जैसे मेरा उन्होंने किया वैसा ही, मतलब एकदम अपने से टच होके, और जिस तरह से आपका जो आवाज है, जिस तरह से आप समझाते हो, वो बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होता है कई बार मैं भी कई भक्तों का अनुभव सिर्फ पढ़ता हूँ, जब मुझे ईमेल आता है मैं पढ़ता हूँ तो भी मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं, प्रभु की कृपा के कारण, की खुशी के आंसू होते हैं कि भाई प्रभु कितने दयालु हैं। तो ये आपने बिल्कुल सच कहा, मैं भी कई बार इमोशनल हो जाता हूँ सभी के अनुभव पढ़ने के बाद, खुशी के आंसू आ जाते हैं। और धन्यवाद, आपने आवास के बारे में बात की, भगवान ने सरस्वती दी है तो उसे अच्छे कार्य के लिए मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, ताकि अच्छी चीजें लोगों तक जाएं, और वीडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डेफिनेटली इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई अच्छा अनुभव होता है हनुमान जी से जुड़ा, या तो मुझे आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, हम वापस वीडियो कॉल में जुड़ेंगे। और वीडियो कॉल एंड करने के पहले आप वन लाइन में हनुमान जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत अच्छी लाइन कही है, और आपको मालूम है यही लाइन आधार है हर हनुमान जी के भक्त की, समझ रहे हो? सिचुएशन कोई भी हो, आप कोई भी संकट में हो, अगर आप स्टूडेंट हो, एग्जाम देने जा रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, भारी बहुत टेंशन में हो, या घर में कोई क्लेश है, कुछ भी हो, ऐसी कोई भी हार्ड सिचुएशन में हो, जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, दिमाग ब्लॉक हो चुका है, ये एक लाइन आपका मन हल्का कर देगी। है कोई जो आपका हर वक्त ध्यान रख रहा है, आपके मन की बात सुन रहा है, बस ऐसा ही विश्वास आप बनाते रखना हनुमान जी पर आप, और जल्द ही हम मिलेंगे। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो मुझसे शेयर जरूर करिए, हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको पता है रिवाज क्या है, हनुमान जी और राम श्री राम जी के नाम का जयकारा हम लगाएंगे और फिर वीडियो को हम एंड कर देंगे, ठीक है? तो बोलो श्रीयावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।